हेलो फ्रेंड्स, टेक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरकलीमिया क्या है। जब ब्लड में जो है पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हाइपरकलीमिया बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 3 से 5 तक होती है, 3 से 5 मिलीमोल्स तक होती है। तो जब यहाँ से ऊपर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरकलीमिया बोलते हैं। तो हाइपरकलीमिया की जो है हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो हाइपरकलीमिया को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो पेशेंट को हमने केबाइन सैशे देना है, उससे अलग जो है हमने ये डायरेक्ट जो है एक ट्रीटमेंट ऐसे करनी है कि जो है हमने इंजेक्शन डेक्सट्रोज D 25% लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100 ml का जो है इंजेक्शन डेक्सट्रोज D 25% इसको बोलते हैं। इसके साथ हमने जो है इंजेक्शन इंसुलिन रेगुलर लेना है। तो इन दोनों को हमने मिक्स करके देना है पेशेंट को। तो मिक्स कैसे करना है, हमने जो है सबसे पहले इंसुलिन रेगुलर के हमने जो है 10 यूनिट ले लेने हैं। तो 10 यूनिट हमने जो है रेगुलर इंसुलिन के लेके फिल करना है। उसके बाद जो है इसको हमने डेक्सट्रोज के साथ मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो है हमने एसेप्टिक प्रिकॉशन से हमने इसको लोड किया है सिरिंज को। इसमें जो है हमने 10 यूनिट इंसुलिन रेगुलर भर दी है। अब जो है हमने ये इंसुलिन रेगुलर हमने जो है डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करनी है। उसके बाद जो है ये फिर पेशेंट को हमने आईवी सेट के साथ अटैच कर देना है, आईवी देना है इंट्रावेनस। हमने जो है ये डेक्सट्रोज का इंजेक्शन है हमने दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो है हमने जो डेक्सट्रोज का इंजेक्शन है उसकी जो बोतल है उसको क्लीन करना है, जहाँ से हमने उसको पंचर करना है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको इंसुलिन लोड कर देनी है। लोड करने के बाद जो है आपने नॉर्मली जैसे आईवी सेट के साथ इसको कनेक्ट करके पेशेंट को इंट्रावेनस जो है ये इंजेक्शन दे देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।